बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और दो खैरियत से होंगे। आज ही हमारा बिजनेस स्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है, 14-30 का। चैप नंबर 7 है, इंडेक्स नंबर। इसमें से आप लोगों का एक न्यूमेरिकल भी आता है और एक थ्योरी का पार्ट भी आता है, यानी कि इसमें आप लोगों का काफी ज्यादा पेपर पहले आ जाता है। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। तो लेक्चर आज का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग लेक्चर को कंप्लीट सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा और इसमें से सवाल जरूर आते हैं, ये पहले बताता हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन लिखी हुई है, थ्योरी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिकल वाला काम आप लोगों को कराऊंगा। इंडेक्स नंबर के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, आई एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आ जाती है, ठीक है, और सेम यूज ऑफ इंडेक्स नंबर आप लोगों के पास आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है, इसमें टोटली थ्योरी के क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 की तरफ लेके जाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस तरह का डाटा जो है वो गिवन होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो डाटा डेट होगी उसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, सब कुछ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे उसने आप लोगों को कह दिया है कि द बीपी ऑफ सेल्स ऑफ कंप्यूटर कॉर्पोरेशन इन द कमीशन लास्ट ईयर ब्लू द कम्युनिकेटर, ठीक हो गया। फिर से आप लोगों ने क्वाल्ट्राइट फाइंड आउट करना है। क्वाल्ट्राइट का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है, क्यू नॉट आपके पास होता है। पहले वाले जो वैल्यू आप लोगों के पास होगी उसको, इस वैल्यू को अपने क्यू नॉट का नाम दे देना है, इसको क्यू वन का नाम दे देना है और इसको क्यू टू का नाम देना है। तो आप लोगों ने जब क्यू वन आप लोगों ने मालूम करना है, तो क्यू वन के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा समेशन क्यू वन मल्टीप्लाई समेशन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। आप अपने क्यू वन का सम कर लेना है, उसको आप लोगों ने ऊपर लिख देना है, क्यू नॉट का सम कर लेना है, उसको आप लोगों ने नीचे रख देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्यू वन का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्यू टू का आंसर फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास ये होगा समेशन क्यू टू ओवर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। क्यू टू वाली वैल्यू को आप लोगों ने ऊपर रख देना है, क्यू नॉट की वैल्यू को नीचे रख के डिवाइड कर लेने, जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो है वो चेंज आउट होंगी, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। सेम यही क्वेश्चन है, आप लोगों ने वैसे करना है। इसका ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने वैसे करना है। इसमें आप लोगों को ज्यादा चीज है, एक क्यू नॉट है, इसमें एक क्यू वन आप लोगों ने निकालना है, क्यू टू निकालना है और क्यू थ्री निकालना है। ये तीन चीजें आप लोगों ने इसकी अंडरस्टैंड करवानी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप लोगों के फार्मूला वही अप्लाई करना है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज होंगी और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होने वाली। और स्टूडेंट्स, ये भी क्यू टू यानी कि क्वाल्ट्राइल वाला के लिए क्यू यूज करेंगे, परसेंटाइल वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसमें आप लोगों ने पी को इस्तेमाल करना है, क्यू की जगह पे आप लोगों के पास पी आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है, जितनी देर तक आप खुद इसको अपने हाथ से नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आने वाली, जो मर्जी आप लोग लो जी। 7.3 एक्सरसाइज है, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है पी वाले फॉर्मूले यूज करने लो, जिसकी निशानी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सेलिंग प्राइस मिल जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ सोल्ड मिल जाएंगे, ठीक है। पी सी आप लोगों ने फाइंड आउट करने लो जी। पी नॉट पहली वैल्यू आप लोगों के पास है जी, पी नॉट पी वन टू थ्री, ठीक है। उसके बाद क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट, अब फार्मूला आप लोगों के पास होता है कि पी वन मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है, पी वन इज इक्वल टू समेशन पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास पी नॉट भी है, पी वन भी है, क्यू नॉट आपके पास आ जाएगा। अब अपने पी नॉट क्यू नॉट मालूम करना है, ये आपके पास है पी नॉट क्यू नॉट आप लोगों ने मालूम करना है। अब ये आप लोगों ने पी नॉट क्यू नॉट लो जी, अब पी नॉट की ये वाली वैल्यू और क्यू नॉट की ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट क्यू नॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको पी वन क्यू नॉट चाहिए, आपने करने पी वन की वैल्यू को आप लोगों ने क्यू नॉट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने तो आपके पास पी वन क्यू नॉट आ जाएगा।
देन इसी तरह पी टू की वैल्यू को क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करने तो आपके पास आ जाएगा पी टू क्यू टू। सेम ऐसे आ जाएगा फॉर्मूले में आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट पर पुट कर देनी है जैसे पॉल ड्राइव वाला किया था, सेम वैसे ही आप लोगों ने परसेंटाइल वाला करना है। तो पी वन की वैल्यू के लिए आपके फॉर्मूला इस्तेमाल करना है समेशन पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इस वैल्यू को ऊपर रखा, इस वैल्यू को नीचे रखा, डिवाइड किया 100 के साथ, मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया आपके पास 101.42 ही आपके पास पी वन की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप लोगों ने पी टू की वैल्यू निकालनी और पी थ्री की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन सवाल का जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परसेंटाइल और पॉलड्राइव के जो क्वेश्चन है इनकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो आप लोगों अगेन लेक्चर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, इसको आप लोगों ने किस तरह से करना है, एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग इसको याद रखते हैं। एवरेज एनुअल प्राइस, ये डाटा आप लोगों को गिवन होगा, डाटा के हिसाब से आप लोगों ने अपने फार्मूले को पुट आउट करना होता है। लो जी इसमें भी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पहले वाली जो वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास पी वन की होगी, दूसरी वैल्यू जो आप लोगों के पास होगी वो पी नॉट की होगी, और तीसरी वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्यू पी थ्री क्यू नॉट, ये सारा कुछ आप निकालें। अब बारी आती है कि पी वन बाय क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई 100 करें तो क्या यही जवाब आता है कि नहीं आता। स्टूडेंट्स आपके पास पी वन की वैल्यू थी 6.50, उसको आप लोगों ने डिवाइड करना 7.25 के साथ, जो आपके पास आंसर आएगा उसको 100 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास P1/Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये वैल्यूज गिवन होगी, देन आपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट आउट करके आपने पी वन परसेंटाइल निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से आप लोगों को समझ आए तो मैं अपना जो लिंक है जो व्हाट्सएप का वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी इशू होंगे क्लियर करवा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना, अल्लाह ताला की जात पे आप लोगों ने उम्मीद रखना है, बाकी अल्लाह पाक जो वो बेहतर करने वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के पास ऐसे फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, कैलकुलेटर पे वैल्यूज को पुट आउट करने आपके पास आंसर जो करेक्ट आएगा। बुक्स में समटाइम आंसर गलत भी लिखे जाते हैं, उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप लोगों के पास जो आपका अपना सलूशन आएगा आप उसके मुताबिक चलने और अपने क्वेश्चन थे उसको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, ये परसेंटाइल वाले थे, कॉल ड्राइव वाले थे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए, इनमें से आप लोगों का क्वेश्चन आने हैं और दोबारा जरूर कीजिएगा। आप लोगों को इसी चैनल पे इंशाल्लाह पास्ट पेपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और गेस्ट पेपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे बी की वैल्यू बी अलग आ गया, पहले क्यू था फिर बी था, अब क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फार्मूला सेम वैसे का वैसे ही, जस्ट वेरिएबल जो वो चेंज किए और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। तो खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अल्लाह ताला की जात आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसी चैनल पे आप लोगों को इंशाल्लाह गेस्ट पेपर पास पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके साथ आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी चैनल पे आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एग्जाम के रिलेटेड और भी बहुत कुछ, इस्लामिक और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड एंड अदर यूनिवर्सिटी जॉब्स रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह के पास।